नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया जिले में मंत्री ने अवैध वसूली करते समय पुलिस को रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद शुक्ला ने देर रात गुरुवार को बलिया पुलिस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। दरअसल श्रीरामपुर घाट पर नवनिर्मित ज्ञानेश्वर मिश्रा सेतु पर शिकायत के बाद सेतु पर अवैध तरीके से पुलिसकर्मी वाहनों से अवैध वसूली कर ट्रकों को एक छोर से दूसरे छोर पर भेज रहे थे। देर रात निमंत्रण छोड़ पहुंचे मंत्री ने रंगे हाथ एक कांस्टेबल को पकड़ लिया, जबकि वहां मौजूद दो अन्य पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई के बाद दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दुबहड़ थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर और प्रभारी निरीक्षक की भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर हमको जानकारी मिली थी 20-25 दिन से खेल चला रात रात भर, ये सब पूरा थाना यही दौरा है, लाखों की वसूली के ट्रकों का आप देखेंगे। अभी आप चलिए नगवा थाने ढाले पर, बुलापुर ढाले पर 50-50 गाड़ियां आए होंगे तो रास्ते में। हम लोग जब यहाँ पर आए, 4-5 मोटरसाइकिलों से 10-12 खड़े थे, सारे मुंह बांधे हुए थे। दो मोटरसाइकिल लेके भाग गए, 3 मोटरसाइकिलें गिरी हुई, एक कांस्टेबल कोई पकड़ा गया है, अंदर है दुमर थाने का सिपाही है। थाने पर एक आदमी नहीं है। सरकार इतनी बड़ी बदनामी, वहां पर बिचला घाट से गाड़ियां चल रही है, उधर पर कोई टाइगर नाम का दीवान है, 500 रुपया उधर वसूली कर रहा है। ये एकदम आज पूरा दुभर थाना एकदम बर्खास्त, एसओ को अभी तुरंत यहां बर्खास्त होना चाहिए। किसी कीमत पर ये सब चीजें बर्दाश्त होने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी कितनी बदनामी, कितनी तपस्या से वो काम कर रहे हैं और हम लोगों को आज तक क्षेत्र में कोई ऐसी चीज हम लोग होने नहीं देते। एकदम ये बर्दाश्त के बाहर चीज होगी। तीनों मोटरसाइकिलों को पहले इसको नोट करिए नंबर, हटाइए पड़े जी। और इन सबों का कहाँ है पटवाल साहब, इनकी डिग्गियों को चेक करिए क्या क्या इसमें है। एक किसी का उधर हेलमेट भी गिरा हुआ है, बोतल इसमें इन सबों का। ये इनसे पहले पूछिए कि कांस्टेबलों की ड्यूटी कहाँ पर लगी हुई है, कोई यहाँ पर नहीं है। नंबर नोट करो, सबका नंबर नोट कर देखिए, सब क्या क्या लेके चले हैं। देखिए टोपी है, टोपी है, सब 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 रिकीट चेक करिए। और ये देखिए, ये देखिए, ठीक है भैया, हो गया, देखा है, चलो भी है, चलो इसको रखो एक मिनट। विपिन सर, सर इनको आप अपने थाने पर ले चलो, अपने कोतवाली पे। ठीक है सर, चाबियां हैं क्या? हाँ है, हाँ, दीजिए भैया। ये ट्रक ड्राइवर कहाँ है? ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ड्राइवर इधर आओ। कंडीशनर साहब देखिए जरा, इससे आप पूछिए कितना है सब पैसा, कहाँ कहाँ देते हैं? वहाँ रेलवे स्टेशन पे 100 नंबर लेती है, 200 100 नंबर लेती है, 200 रेलवे स्टेशन के सामने जब घुसते हैं इस रोड में आने के लिए वहाँ पे। ये तो बड़ा चौराहे पे। हाँ आप कहाँ के हैं? हम तो बलिया के हैं सर, हमारा पर्न प्रॉपर करना है। इधर आते हैं तो अपना ये कचरा जा सकते हैं ना, महावीर घाट मंदिर के सामने, वहाँ पे सिपाही लेते हैं, वहाँ तो वर्कशॉप करते हैं, वहाँ 2000 लेते हैं, वहाँ वर्कशॉप करते हैं, यहाँ तो ये लोग छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं तो उधर लगता है पूरा गैंग बैठा हुआ है, उधर भी निकलने के बाद अभी चौकी चल रही है, उसके उधर पूरी चौकी वो होगी, पूरा थाना एक कांस्टेबल। मैं पहले थाने पर गया, अच्छा थाना मैं देख करके आया, बाहर से एक कोई थाने पर नहीं है, जो बाहर रक्षक भी लगते हैं ना, एक कोई थाने पर नहीं था। रात में सूचना प्राप्त हुई कि ज्ञानेश्वर मिश्रा पुल पर कुछ पुलिस वालों द्वारा कुछ वाहनों को रोका गया है और आसपास के लोगों से अभद्रता की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर दुबहड़, इंस्पेक्टर कोतवाली, सीओ सिटी और मैं स्वयं मौके पर हम लोग गए और वहाँ पर 3 मोटरसाइकिलें प्राप्त हुई, जिन्हें ये बताया गया कि ये पुलिसकर्मियों की हैं। एक आरक्षी वहाँ मौके पर मिला जिसका नाम राजू भारद्वाज थाना दुबहड़ का था। पूछताछ की गई, जानकारी की गई तो वहाँ उपस्थित जनता के लोगों द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा अनावश्यक वाहनों को रोका जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है और इस संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर तुरंत जाकर जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि इनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगी हुई थी और उन मोटरसाइकिलों के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनके संबंध में जानकारी की गई तो इसमें ये पता चला कि एक राजू भारद्वाज नाम की सिपाही की है, एक मुलायम कुमार नाम का आरक्षी है और एक होमगार्ड लेके गया था। दोनों आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा निलंबित कर लिया गया है
होमगार्ड के विरुद्ध कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिख दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में जो भी हल्का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हैं और प्रभारी निरीक्षक दोहर इन सब की भूमिका की जांच के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश कर दिए हैं। किस तरह के वाहन थे, किस तरह के वाहनों को रोका जा रहा था? जनेश्वर मिश्रा सेतु बन गया है किंतु अभी अप्रोच रोड नहीं बनी है, कच्ची सड़क है और इधर से खाली ट्रकें जाती हैं। ट्रकें नीचे की तरफ से आ रही थी घाट की तरफ से और रास्ता बहुत टूटा फूटा है, गाड़ियों के पलटने की भी संभावना है, फिर भी गाड़ियां जाती हैं तो उनका आरोप है कि इनको यहां जाने नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार परेशान किया जा रहा है।